हम पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस। ये जो एमनियोसेंटेसिस है उसका नाम हम कई बार पिछले अध्यायों में हमने लिया था कि ये क्या होता है करके, है ना। तो एमनियोसेंटेसिस एक विधि होती है। तो इस विधि में क्या होता है कि ये जो क्या दिख रहा है आपको, है ना, ये डायग्राम है ना। तो ये किसका डायग्राम है? गर्भ, है ना। गर्भ के अंदर कौन है? शिशु है। तो देखिए आप कि जो ये शिशु दिख रहा है उसके चारों ओर, है ना, एक फ्लूइड पाई जा रही है, एक द्रव्य है, तरल पदार्थ है, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इस द्रव में जो शिशु जो बीच में है, है ना, तो वो इस द्रव में क्या करता है? तैरते रहता है, है ना। तो जो शिशुओं में जो गुणसूत्र होती है, है ना, तो इन गुणसूत्रों की जो कुछ भाग होती हैं वो क्या हो जाते हैं? इनमें आ जाते हैं, है ना। तो इनमें आ जाने के कारण से एमनियोटिक जो फ्लूइड है, है ना, उसका क्या करते हैं? इंजेक्शन के माध्यम से इस द्रव से पता लगा लेते हैं कि उनके गुणसूत्र में कोई असमानता तो नहीं है, है ना, या जो शिशु पल रहा है उसमें कोई विकृति तो नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी जो गुणसूत्री संरचनात्मक, है ना, और उनकी संख्या की असमानताओं को पता लगाने की ये क्या है? एक विधि होती है। तो इसी द्रव को सिरिंज, है ना, जो इंजेक्शन होता है उसी के माध्यम से इसको निकाला जाता है और फिर उनका परीक्षण किया जाता है। तो इसी से फिर पता चल जाता है कि जो पल रहा शिशु क्या है, असामान्य है या फिर सामान्य है। वह विधि जिसके माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु की गुणसूत्री संरचना, कि उनका गुणसूत्र का संरचना कैसा है, यदि अगर संरचना में कोई विकृति है तो क्या करवा दिया जाता है? गर्भपात करवा दिया जाता है, है ना, या उनकी संख्याओं में, है ना, उनकी असमानता का पता लगाया जाता है। तो इसी विधि को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है कि जो गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है वो चारों ओर से एक द्रव से क्या रहता है? घिरा रहता है। तो उस द्रव को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक द्रव्य बोला जाता है या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसमें क्या होता है? उस द्रव में जो मतलब जो शिशु रहता है वो किससे बना होता है? जायगोट से ही बना होता है। तो उसी जायगोट की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो इसी द्रव में क्या आ जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं उसको 8 से 12 सप्ताह बाद, है ना, सिरिंज की सहायता से एमनियोटिक द्रव को निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है। तो शिशु, है ना, जो गर्भ में एक द्रव के द्वारा घिरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक द्रव्य कहते हैं। जब एमनियोटिक द्रव्य को इंजेक्शन के माध्यम से जब निकाला जाता है, है ना, तब ध्यान रखना चाहिए कि शिशु को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। तो इसमें क्या होता है कि गर्भ में ही पता चल जाता है इस विधि के द्वारा। आठ से बारह सप्ताह के बाद, है ना, गर्भ से इस द्रव को निकाला जाता है। तो किसके माध्यम से निकाला जाता है इस द्रव को, है ना, तो इंजेक्शन के माध्यम से इस द्रव को क्या करते हैं? निकालते हैं सीरीज द्वारा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, सीरीज को डालते हैं और उस द्रव को क्या करते हैं? निकालते हैं। उसके बाद उनका परीक्षण किया जाता है। इस माध्यम से जो गर्भ में पल रहा शिशु का गुणसूत्री संरचना और संख्या का तो जांच किया जाता है, लेकिन इसका मिसयूज़ भी होने लगा था कि इससे क्या पता चल जाता था कि गर्भ में जो पल रहा जो शिशु है, है ना, उसका लिंग निर्धारण भी हो जाता था। तो किन किन आधारों पर होता था? तो एक्स और वाई गुणसूत्रों के आधार पर इनका निर्धारण होता था। तो एक्स वाई गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग निर्धारण किया जाता था, है ना, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू ही, जिसमें क्या करते थे कि लिंग निर्धारण होने की वजह से कुछ लोग क्या कर देते थे? गर्भपात करवा देते थे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने एमनियोसेंटेसिस के लिए क्या किया? कानून लागू कर दिया, है ना, क्योंकि इसको कई लोगों ने गलत तरीके से लेने लगे और जिसकी वजह से गर्भपात की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी थी। तो ये है एमनियोसेंटेसिस।